दोस्तों आज इस वीडियो में बताऊंगा व्हाट्सएप से डिलीट हुए चैट मैसेजेस को वापस कैसे ला सकते हो। आपके चैट डिलीट हुए एक महीना हो, एक साल हो या फिर दो साल हुआ हो, डिलीटेड चैट को वापस ला सकते हो, सालों साल पुराने चैट को वापस ला सकते हो। जैसे ये मेरा फ्रेंड है और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे यहाँ पर मैंने चैट कर रखा है और आपके सामने ये सभी चैट मैं डिलीट करूँगा और ये चैट वापस से आपको रिकवर करके वापस से ला कर भी दिखाऊँगा। अगर आप जानना चाहते हो व्हाट्सएप में डिलीटेड मैसेज को कैसे वापस लाना है, सिंपल सा प्रोसेस है, छोटी सी वीडियो होगी, वीडियो को एंड तक देखना, बिना स्किप करे करें स्टार्ट। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सत्यो, आप सभी का स्वागत है मेरे रूप नॉल टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। चले फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में ही छोटा सा बेल आइकॉन है, बेल आइकन बाकी ऑल पे सेट कर दीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट लिखिए व्हाट्सएप ट्रिक्स, ये छोटा सा कमेंट लिख कर सेंड कर देना। दोस्तों आज इस वीडियो में बताऊंगा व्हाट्सएप से डिलीट हुए चैट मैसेजेस को, सालों साल पुराना डिलीटेड चैट को कैसे वापस ला सकती हो। जैसे यहाँ पर देखिए ये मेरा फ्रेंड है और ये चैट ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखिए इसके साथ मैंने काफ़ी सारे यहाँ पर देखिए चैट कर रखा है और ये चैट आपके सामने डिलीट करूँगा। थ्री डॉट पे क्लिक किया, मोर पे क्लिक करता हूँ, क्लियर चैट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर देखिए क्लियर चैट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए सभी चैट यहाँ पर डिलीट हो चुका है। और एक चैट में डिलीट करता हूँ, जैसे ये चैट देखिए काफ़ी सारे यहाँ पर देखिए मैसेज कन्वर्सेशंस हुए हैं और ये चैट भी मैं डिलीट करूँगा। ये देखिए मोर के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लियर चैट, ये देखिए क्लियर दिस चैट, क्लियर चैट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर देखिए ये चैट यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अगर आपके व्हाट्सएप में इंपॉर्टेंट मैसेज फोटो वगैरह पड़ा हुआ है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिर सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए, चैट पे क्लिक करना है, फिर नीचे ये चैट बैकअप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से बैकअप कर लेना है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से व्हाट्सएप क्लोज कीजिए और फ़ोन में गूगल फोल्डर होगा, गूगल फोल्डर ओपन कर लीजिए और यहाँ पर देखिए गूगल ड्राइव ये ऐप ओपन करना। जैसे ये ऐप ओपन करोगे यहाँ पर ऊपर देखिए थ्री लाइन है और ये थ्री लाइन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है बैकअप, ये बैकअप यहाँ पर क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हो यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप बैकअप फोल्डर आपको देखने को मिलेगा, जो भी यहाँ पर जो सभी चैट्स हैं यहाँ पर ये फोल्डर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओपन नहीं कर सकते। तो ये फोल्डर ओपन करने के लिए फ़ोन में सेटिंग ओपन करना है, ठीक है, फ़ोन में सेटिंग ओपन कर लीजिए और यहाँ पर नीचे आइए, नीचे यहाँ पर ऐप्स सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट, कुल मिला के फ़ोन में ऐप्स के अंदर ऐप मैनेजमेंट आपको ढूंढ लेना है और ये सेटिंग ऊपर नीचे हो सकता है, सभी फ़ोन में सेटिंग अलग अलग होता है। तो यहाँ से ऐप मैनेजमेंट सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से व्हाट्सएप ढूंढ लेना है। चलिए यहाँ से व्हाट्सएप ढूंढ लेते हैं, तो यहाँ से व्हाट्सएप ढूंढ लेना है और ये देखिए व्हाट्सएप, व्हाट्सएप सिलेक्ट करना है। व्हाट्सएप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे आइए, नीचे देखिए ऑप्शन है स्टोरेज यूजेस, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से क्लियर कैच करना है, फिर यहाँ से क्लियर डेटा करना है, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से क्लियर डेटा करना है। ये क्लियर डेटा हो चुका है। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, इस तरीके से व्हाट्सएप के ऊपर होल्ड कीजिए, ऐप इन्फो में आइए और यहाँ पर स्टोरेज सिलेक्ट करके यहाँ से क्लियर ऑल डेटा करना है। जैसे यहाँ पर मैंने ऑल डेटा क्लियर कर दिया है, ये करने के बाद फिर आपको यहाँ पर व्हाट्सएप के ऊपर इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर टिक कीजिए एग्री एंड कंटिन्यू यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे जिस भी नंबर पे आपका ये व्हाट्सएप अकाउंट था उसी नंबर पे आपको फिर से यहाँ पर ये व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है, आपके पुराने नंबर पर फिर से आपको ये अकाउंट क्रिएट करना है। सो यहाँ से मैं नंबर एंटर करके इसे नेक्स्ट कर लेता हूँ और आपके उस नंबर पे ओटीपी आएगा और ओटीपी आने के बाद यहाँ पर ये वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पर ये वेरीफाई हो चुका है कॉन्टेक्ट्स इन मीडिया, ठीक है। फिर आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से करना है कंटिन्यू। जैसे कंटिन्यू करोगे ये परमिशन एक बार आपको अलाउ करना है, परमिशन अलाउ करने के बाद यहाँ पर देखिए लुकिंग फॉर बैकअप और नीचे ऑप्शन है रिस्टोर एंड स्किप और आपको यहाँ से स्किप नहीं करना है। यहाँ पर ऑप्शन है रिस्टोर, जो फोल्डर गूगल ड्राइव में था वो फोल्डर आपको यहाँ पर ओपन करना है और उस फोल्डर को ओपन करने के लिए यहाँ पर रिस्टोर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे आप रिस्टोर के ऊपर क्लिक करोगे ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा
और यहाँ पर आपको कुछ मिनट लग सकता है, जितना बड़ा फोल्डर होगा उतना टाइम आपको यहाँ पर लगेगा और आपको यहाँ पर वेट करना है जैसे यहाँ पर ये फोल्डर बैकअप हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर यह प्रोसेस हो रहा है रिस्टोरिंग मैसेज और यहाँ पर ये कुछ टाइम लग सकता है। और यहाँ पर ये देखिए कम्प्लीटली यहाँ पर हो चुका है, ये टिक मार्क आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से करना है नेक्स्ट और जो भी आप यहाँ पर नाम आप सेट करना चाहते हो यहाँ पर सेट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसे, ठीक है यहाँ से कर लेते हैं इसे सत्य 1। ठीक है, फिर यहाँ पर फोटो वगैरह अगर आप लगाना चाहो लगा सकते हो, फोटो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये बैकअप हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से करना है इसे नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर नेक्स्ट करोगे ये फिर से ये प्रोसेस होगा और यहाँ पर ये रिस्टोरिंग मीडिया मीडिया फाइल्स भी यहाँ पर बैकअप हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर देखिए ये चैट मैंने डिलीट किया था। देखिए ये चैट ओपन करता हूँ, देखिए वापस ये चैट फिर से आ चुका है, देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर ये चैट वापस से आ चुका है। ये चैट मैंने डिलीट किया था, अगर आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके पीछे जाओगे तो देखना ये चैट ही मैंने डिलीट किया था। ये देखिए चैट ओपन करता हूँ, देखिए वापस से ये चैट आ चुका है। तो इस तरीके से व्हाट्सएप में सालों साल पुराना डिलीटेड चैट को वापस ला सकते हो सिंपल ये प्रोसेस फॉलो करके। तो मुझे उम्मीद है ज़रूर से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। लाइक करना, शेयर करना, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।